इच्छाधारी नाग नागिन का सच, इच्छाधारी नागिन कैसे बनते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम इस लेख के अंदर देने की कोशिश करेंगे। इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। आपने फिल्मों, कहानियों और नाटकों के अंदर देखा होगा कि एक इच्छाधारी सांप होता है जो अपना आकार बदल सकता है, वो चाहे जिस रूप के अंदर आ सकता है, और यह इच्छाधारी नाग नागिन काफी शक्तिशाली भी होते हैं। हालांकि जो फिल्मों नाटकों के अंदर दिखाया जाता है वो पूरी तरह से सच नहीं होता है, लेकिन ये फिल्में प्राचीन काल के अंदर उल्लेखित कहानियों के आधार पर बनाई जाती हैं। प्राचीन काल के अंदर ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जिनके अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन को आज तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका है। पहले तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि सांप के केवल एक फन ही होता है, लेकिन अब तक 5 फन वाले सांप भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उड़ने वाले सांपों के बारे में भी पता चल चुका है। इच्छाधारी नागिन सीरियल। हिंदू धर्म के अंदर नाग की पूजा की जाती है और उसे देवता माना जाता है। कई जगह पर नागों के मंदिर बने हुए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा होती है, इस वजह से कहना मुश्किल है कि इच्छाधारी नाग नागिन नहीं होते। वैज्ञानिक भी अब यह मानने लगे हैं कि सांप दुनिया की सबसे रहस्यमय प्रजातियों में से एक है। क्या होते हैं इच्छाधारी नाग नागिन? इच्छाधारी नाग नागिन सच में होते हैं दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन एक तरह के सांप ही होते हैं, लेकिन वे सामान्य सांपों से अलग होते हैं। उनके अंदर विशेष ताकतें होती हैं। ये भगवान शिव के भगत होते हैं। आइए जानते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी के भी रूप के अंदर आ सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के अंदर भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों के अंदर देखते हैं वैसे ही यह अपना रूप बदलते हैं। एक सत्य घटना पत्रिका के अंदर रमा और चौबे नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। इस पत्रिका के अनुसार रमा और चौबे पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग और नागिन थे। जब वे एक समय इंसानी बच्चे बनकर खेल रहे थे तो एक तांत्रिक ने उनकी इस ताकत को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद वे वापस नाग नागिन के रूप में नहीं बदल सके। हालांकि इसमें सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन ये घटना इस बात की पुष्टि करती है कि इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल सकते थे। इच्छाधारी सांपों के पास मणि होती है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है जिसको नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी है। यदि किसी को यह मणि हासिल हो जाती है तो वह कुछ भी पा सकता है। इच्छाधारी नाग नागिन हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती है। यदि कोई उनको मार देता है तो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। इच्छाधारी नाग और नागिन में गहरा प्रेम होता है। अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि नाग और नागिन होते हैं, उनके अंदर गहरा प्रेम होता है। यदि किसी कारणवश नाग की मौत हो जाती है तो नागिन भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इस संबंध में हम आपको एक रियल घटना से अवगत कराते हैं। ग्वालियर के अंदर एक प्रेम मंदिर नाम से एक मंदिर है, जिसका निर्माण सन 2015 के अंदर हुआ था। ग्वालियर नगर के ट्रांसपोर्ट में गेट नंबर 1 के पास एक नाग की ट्रक के नीचे आ जाने के बाद मौत हो गई और नागिन बच गई, लेकिन नागिन बच जाने के बाद पूरे दिन वही चिपकी रही, वहां से अलग नहीं हुई। उसके बाद सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने नागिन को सड़क से अलग किया, लेकिन दूसरे दिन नागिन ने भी वहीं पर दम तोड़ दिया जहां पर नाग मरा था। उसके बाद वहां पर लोगों ने नाग और नागिन का मंदिर बना दिया था। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य बदला लेती है नागिन। आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि नाग की मौत या उसे यदि कोई मार देता है तो नागिन उसकी मौत का बदला लेने आ जाती है। बहुत से लोग इस बात को सच नहीं मानते होंगे, लेकिन इस संबंध में मेरे पास कई रियल घटनाएं मौजूद हैं जो इस बात की पुष्टि करती है।
इस संबंध में मैं आपको दो घटनाएं बताने की जरूरत समझता हूँ, जिनमें से एक तो मेरे दोस्त के साथ घट चुकी है। एक बार मेरे दोस्त ने बताया कि वह हाड़िया के अंदर मतलब सीमा के पास अपने मौसा के पास गया हुआ था। एक दिन जब वह खेत के अंदर काम कर रहा था तो उसने दो नाग और नागिन को देखा। उसने नाग को पीट पीट कर मार डाला, लेकिन नागिन भाग गई और कहीं पर छुप गई। उसने ऐसा सुना था कि नाग की मौत के बाद नागिन बदला लेने के लिए आती है। वह जब रात को घर के अंदर सोया, जो पास के गांव में था, तो वहां पर नागिन आ धमकी। उसकी नींद अचानक से खुली तो देखा नागिन पास खड़ी है और उसे डसने वाली है। तो उसने रात जैसे तैसे काटी और सुबह अपने गांव आ गई। श्योपुर की गांधीनगर बस्ती मध्य प्रदेश की ही एक घटना आपको बता दे। एक 25 साल के युवक की नागिन के काटने से मौत हो गई। इस घटना के अनुसार राम सिंह बैरवा नामक एक व्यक्ति जब दोपहर के अंदर कहीं जा रहा था तो उसने दो सांपों को देखा जो प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, तो उसने उसमें से नाग को मार डाला। उसके बाद जब वह रात को सो रहा था तो नागिन ने आकर उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। ऐसी यह कोई एक घटना नहीं है, वरन इतनी सारी घटनाएं हैं जिनकी एक बड़ी लिस्ट तैयार हो सकती है। इच्छाधारी नाग और नागिन में लव। आपको बता दें कि बिल्कुल फिल्मों की तरह ही इच्छाधारी नाग और नागिन के अंदर गहरा प्रेम होता है। इस बात की पुष्टि वे घटनाएं करती हैं जो कि रियल के अंदर घट चुकी हैं। हालांकि यह घटनाएं साधारण नाग की हैं, लेकिन इस बात को पुष्टि करने के लिए काफी है। सुहरनपुर के अंदर पिछले दिनों एक घटना घटी थी। एक न्यूज साइट के अनुसार एक नाग और नागिन के जोड़े ने लगभग 4 घंटे तक प्रेम क्रीड़ा की थी। यदि सपेरे को बुलाकर दोनों को अलग नहीं किया जाता तो शायद उनकी प्रेम क्रीड़ा काफी समय और भी चल सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन के अंदर काफी गहरा प्रेम होता है। इच्छाधारी नाग नागिन में होती थी अलग अलग शक्तियां। लेख लिखने से पहले इस संबंध में हमने कई जगहों पर रिसर्च किया, जिसमें से कई बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको ये बता दें कि अधिकतर प्राचीन नाग इच्छाधारी होते थे और उनके अंदर अलग अलग शक्तियां पाई जाती थी। जैसे शेषनाग भी एक इच्छाधारी नाग है, इसी प्रकार से वासुकी भी एक इच्छाधारी नाग थे, लेकिन ये सामान्य इच्छाधारी नागों से ज्यादा शक्तिशाली थे। पुराणों के अंदर यह भी वर्णन मिलता है कि नाग लोक के अंदर नाग अपना रूप बदल कर रहते थे, जिससे ये साबित हो जाता है कि लगभग सभी सांप प्राचीन के अंदर इच्छाधारी रहे होंगे। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य। इच्छाधारी नागिन कैसे बनते हैं? दोस्तों, इच्छाधारी नागिन कैसे बनते हैं इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस प्रश्न के हमारे पास सिर्फ 3 उत्तर हैं, जिनको हम बताना उचित समझते हैं, बाकी सब इतिहास है। पुराणों के अनुसार जब कोई कोबरा सांप अपने 100 साल पूरे कर लेता है तो वह एक इच्छाधारी नाग बन जाता है, जबकि कहीं पर सांप के 1000 साल पूरे होने के बाद ये कहा गया है कि वह इच्छाधारी नाग बन जाता है। हालांकि यह सिर्फ कहावत है, इस संबंध में मेरे पास कोई भी प्रमाण या स्टोरी मौजूद नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इच्छाधार नाग नागिन बनने का ये तरीका सटीक फिट नहीं होता है। प्राचीन काल के अंदर नागवंश एक प्रमुख वंश था, जिसके बारे में कहा जाता है कि नागवंश के अंदर पैदा होने वाले महिला और पुरुष इच्छाधारी होते थे। वे अपनी इच्छा से इंसान और सर्प बन सकते थे, लेकिन ये प्राचीन समय के अंदर प्रचलित रहा होगा। वर्तमान के अंदर ये तरीका मौजूद नहीं है। अगर है भी तो हम इसका प्रमाण या कोई स्टोरी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जानकारी नहीं है। इच्छाधारी नाग बनने का तरीकों के अंदर यह सबसे ज्यादा प्रमाणिक तरीका है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अंदर जो इंसान मरने के बाद पितर या पितरानी बन जाता है, वह इच्छाधारी होता है। वह अपनी इच्छा से सांप के अंदर बदल सकता है और अपनी इच्छा से गायब भी हो सकता है। जो महिला पितरानी होती है वह इच्छाधारी नागिन होती है। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य। प्राचीन काल में इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों के अंदर मिलता है, और वहीं से यह इच्छाधारी नाग नागिन को मूवी और फिल्मों के अंदर उतारा गया है। फिल्मों और नाटकों के अंदर आने के बाद ये सब काफी फेमस हो चुका है।
तो आइए एक नजर डालते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन के प्राचीन इतिहास के ऊपर। अग्नि पुराण के अनुसार पृथ्वी के नीचे अंडरवर्ल्ड है। इसमें भी सात क्षेत्रों और उनके नाम अटल, महत्वपूर्ण, सतल, तालाताल, महाताल, प्रासाताल और पाताल होते हैं। इस पुराण के अनुसार अंडरवर्ल्ड के अंदर दानव नाग और शेषनाग भी रहते हैं। वायु पुराण के अनुसार सांप और राक्षस अंडरवर्ल्ड में रहते हैं। अटल लोक राक्षस नमुची द्वारा शासित है, राक्षस महाजम द्वारा सतल लोक, राक्षस प्रहलाद द्वारा महत्वपूर्ण लोक, दानवस्थल लोक राक्षस कालनमी द्वारा। वायु पुराण के अनुसार महान सांप वासुकी श्वेताल में रहता है। वह दक्षिणी बेटी कद्रु और ऋषि कश्यप का पुत्र था। आमतौर पर वासुकी और शेषनाग को समानार्थी माना जाता है। शेषनाग पाताल के अंदर रहता है। आप नागन्या के बारे में जानते ही होंगे। नाग कन्याएं वे कन्याएं होती थी जो नाग कुल के अंदर जन्म लेती थी और अपना रूप बदल सकती थी। उलूपी के बारे में आपने सुना ही होगा। उलूपी एक नाग कन्या थी जिसके पिता का नाम राजा कौरव था। वह नाग समुदाय के महाभीम थे। आपको पता होगा कि द्रौपदी के पांच पति थे और उनके अंदर यह नियम निर्धारित था कि एक साल तक यदि द्रौपदी के पास कोई एक भाई है तो दूसरा उसके कमरे में होते हुए अंदर नहीं जा सकता। कहानी के अनुसार यदि कोई प्रवेश करता है तो उसे एक साल तक वनवास भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर जब द्रौपदी के साथ कमरे के अंदर थे तो एक व्यक्ति अर्जुन के पास आया और बोला, उनकी रक्षा करो, कोई उनकी गाय चुरा रहा है। अर्जुन उनकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि उनके तीर कमान द्रौपदी के कमरे में है तो उनके मन में विचार आया कि कुछ भी हो वे धर्म की रक्षा करेंगे, और द्रौपदी के कमरे से कमान ले आए। उसके बाद अर्जुन को एक साल का वनवास भोगना पड़ा। हरिद्वार में जब अर्जुन गंगा स्नान कर रहे थे तो सभी नागों को ये पता चला कि अर्जुन गंगा स्नान कर रहे हैं और उन्हें अब मार देना चाहिए। नागवंश इस वजह से अर्जुन से दुश्मनी रखता था क्योंकि अर्जुन ने अपनी नगरी को बचाने के लिए अनेक नागों का संहार किया था। राजा कौरव की एक बेटी उलूपी थी जो एक नागन्या या इच्छाधारी नागिन थी। उसके पति को गुरु ने खा लिया था, तब से वह विधवा ही थी। वह जब सुंदर युवती बनकर अर्जुन के पास गई तो उनको देखकर मोहित हो गई और वह अर्जुन को बेहोश करके नागलोक ले आई। उसके बाद अर्जुन के होश में आने का इंतजार करने लगी। जब अर्जुन होश में आए तो वह बोली, तुम नागलोक के अंदर हो, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कि उसकी पहले ही तीन पत्नी है, लेकिन उलूपी बोली, उसे चौथी पत्नी बनने से कोई एतराज नहीं है। उसके बाद दोनों का विवाह हो गया। उसके बाद अर्जुन एक साल तक उलूपी के साथ रहा। उसके बाद जब जाने लगा तो उलूपी ने बताया कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इरावन उनके पुत्र का नाम था जिसको किन्न लोग पूछते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार नागन्या चंद्रलेखा का विवाह एक ब्राह्मण युवक के साथ हुआ था। हालांकि इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। देवनारायण का भी नाग कन्या से विवाह का इतिहास के अंदर उल्लेख मिलता है। एक स्टोरी के अनुसार दो राक्षस शेषनाग के पास जाकर छुप जाते हैं और भगवान उन राक्षसों को तलाशते तलाशते शेषनाग के पास आकर पूछते हैं कि क्या आपने दो राक्षसों को देखा है। तब शेषनाग कहते हैं, आप मेरी नागन्या से विवाह करो, उसके बाद ही मैं आपको उनका पता बताऊंगा। उसके बाद देवनारायण नागन्या के साथ विवाह करते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य घटोत्कच और अहिल्वती नागन्या। आपको बता दें कि घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे जिसमें हिडिंबा राक्षस कुल की थी। बाद में घटोत्कच और अहिल्वती का विवाह हुआ। अहिल्वती के बारे में ये कहा जाता है कि वह एक नागन्या या इच्छाधारी नागिन थी। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका हम आजकल खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। इनका सही नाम बर्बरीक था। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य चीन के अंदर। चीन के अंदर भी इच्छाधारी नाग नागिन की स्टोरी मिलती है। द सॉसरर एंड द व्हाइट स्नेक नाम की इस पर एक प्रसिद्ध फिल्म भी बन चुकी है। इस स्टोरी के अनुसार जुजियान नामक एक लड़के को ल्यू डोनबिन अमृतत्व की गोलियां देने के बारे में कहते हैं, लेकिन वह इन पर विश्वास नहीं करता। फिर जुजियान को एक पुल पर ले जाया जाता है और वहां पर जब वह गोलियां खाता है तो उल्टी कर देता है और गोली नदी के अंदर चली जाती है।
और उसे एक सफेद इच्छाधारी नाग खा लेता है और वह अमर हो जाता है। टेरापिन नामक एक आत्मा भी झील के अंदर रहती है जो सफेद सांप से ईर्ष्या करती है। एक बार एक सपेरा या सांप पकड़ने वाला एक हरे सांप को पकड़कर लेकर पुल से जाता है। सफेद सांप ये देखता है और वह सुंदर कन्या का रूप धारण करके उस सांप को खरीद लेती है। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य। नागवंश में इच्छाधारी नागिन। यदि आप नाग जाति के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इच्छाधारी नाग व नागिन का रहस्य वास्तव में एक सच है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो आइए संक्षिप्त के अंदर हम नाग जाति के इतिहास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हिंदू धर्म के अंदर नागों की पूजा होती है। भगवान विष्णु के उपशेष नाग अपना फन फैले रहता है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अंदर भी शेष नाग है। पुराणों के अनुसार धरती पर पहले ऐसे मनुष्य पाए जाते थे जिनका आधा शरीर सांप का और आधा इंसान का था। पुराणों के अनुसार यह इंसान का रूप भी धारण कर सकते थे। शेषनाग इच्छाधारी। भारत के अंदर महाभारत काल में नाग जाति असम, मणिपुर और कैलाश पर्वत के आसपास रहती थी। प्राचीन काल के अंदर मिले सिक्कों में भी इस बात की पुष्टि होती है कि आज से 3000 ई पूर्व नागलोक मौजूद था। नागलोक की शुरुआत महर्षि कश्यप से शुरू होती है। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उनमें से विंता और कद्रु के साथ वे अधिक प्रेम करते थे। कद्रु से 1000 नाग पुत्र उत्पन्न हुए और विंता से गुरु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शेष नाग के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला पैदा हुए थे। वासुकी नाग के पास कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था। इसके अलावा तकक्ष पे तक्षशिला बसाया था। करकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनत, अहि, मनिभद्र, अलापत्र, कम्बल आदि नागों का उल्लेख भी मिलता है। यदि हम नाग प्रजाति की बात करें तो आज भी कई नाम प्राचीन नाग प्रजाति के बसाए नामों पर मौजूद है। महाराष्ट्र में नागपुर नागवंशियों ने बसाया था। नगरधन नामक एक शहर जो नागपुर के पास है वह भी इन्हीं की देन है। ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर जो नाग जाति है वह इन्हीं नागों की संतान रही होगी और इस नाग जाति के अंदर भी ऐसी ताकतें रही होगी जो इनको इच्छाधारी बनाती होंगी। शेषनाग के बारे में आप जानते ही होंगे। शेषनाग के बारे में यह उल्लेख मिलता है कि यह केवल नाग ही नहीं है वरन यह इंसान का रूप भी ले सकता था। इस वजह से यह कहा जा सकता है कि शेषनाग भी एक इच्छाधारी सांप था। शेषनाग को अन्नद भी कहा जाता है। वासुकी नाग के बारे में भी आपने सुना होगा। वासुकी नाग भी एक इच्छाधारी सांप थे। वासुकी नाग ने अपनी पुत्री, जिसको हम एक इच्छाधारी नागिन कह सकते हैं, का विवाह जरत्कारु के पुत्र आस्तिक के साथ किया था ताकि वह नागों की रक्षा कर सके। अब तक के नाग इतिहास के बारे में पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर अनेक ऐसे इच्छाधारी सांप रहे होंगे जो कि विभिन्न जगहों पर अपना राज्य करते होंगे। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य। नाग देवता के मंदिर। भारत के अंदर नागों को पूजा जाता है, इस वजह से नागों के मंदिर आज भी देखने को मिल जाते हैं। इन मंदिरों के अंदर नागों के चित्र भी मिल जाएंगे। अधिकतर मंदिरों के अंदर नागों को आधे इंसान और आधे नाग के रूप में चित्रित किया गया है। श्रीनागराज मंदिर केरल के अलप्पुझा जिले के हरिपद गांव में मन्नारसला नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के आसपास 3000 से अधिक सांपों के चित्र बने हुए हैं। इस मंदिर के अंदर नागराज और उनकी पत्नी की पूजा होती है। मजीठा नाग देवता का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर नाग देवता की पूजा करने हजारों लोग आते हैं और यहाँ की रेत को अपने घर के अंदर ले जाते हैं ताकि कोई सांप नुकसान ना पहुंचाए। उत्तराखंड के अंदर चमोली जिले में नंदा देवी मार्ग पर एक मंदिर है जिस मंदिर को सबसे ज्यादा रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। यदि आप इस मंदिर की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाटू नामक एक देवता इस मंदिर के अंदर सांप बनकर रहता है। उत्तराखंड के अंदर चमोली जिले में नंदा देवी मार्ग पर एक मंदिर है जिसको काफी रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। यह मंदिर केवल बैसाख पूर्णिमा के दिन खुलता है। इस मंदिर के रहस्य से एक कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार लाटू देवता की पूजा इस मंदिर के अंदर की जाती है।
प्राचीन कथाओं के अनुसार जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो लाटू पर्वती को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। बीच में उनको प्यास लगी तो उन्हें यहाँ पर दो घड़े पड़े हुए देखे, जिसमें से एक के अंदर पानी और दूसरे के अंदर शराब थी। लाटू ने शराब पी ली और उत्पात मचाने लगे। जब पार्वती ने देखा तो लाटू को इस मंदिर में रहने का शाप दे डाला। उसके बाद से लाटू देवता सर्प बनकर इस मंदिर में रहते हैं। नाग देवता के मंदिर। इस तरह के नाग देवता के मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों के अंदर फैले हुए हैं। यदि आप इन मंदिरों के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर मंदिरों में नाग देवता को अर्ध इंसान के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर नाग देवता के इन मंदिरों का उल्लेख करने का मतलब यह है कि यह नाग देवता भी इच्छाधारी थे। भले ही वे ज्यादा शक्तिशाली थे लेकिन इच्छाधारी जरूर थे। पितरों को सर्प बनने की शक्ति प्राप्त है। जब बात इच्छाधारी सांपों की आती है तो इस चीज को बता देना भी हम उचित समझते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो लोग मौत के बाद पितर बन जाते हैं उनको भी सर्प बनने की ताकतें प्राप्त हो जाती हैं। इस बात को सिद्ध करने वाली घटनाएं मौजूद हैं। खुद हमारे साथ और कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पितरों के अंदर भी कुछ हद तक इच्छाधारी का गुण पाया जाता है। क्या इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? अब तक आपने इच्छाधारी नाग और नागिन के इतिहास और उनके सच को जाना, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न अभी भी बना हुआ होगा कि क्या इच्छाधारी नागिन होती है, क्या ये संभव है? अब अंत में हम इसी प्रश्न पर बात करने वाले हैं ताकि आपको इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य पूरी तरह से समझ में आ सके। ये तो आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि कोई मुझसे ये पूछे कि क्या इच्छाधारी नाग होते हैं तो इसके दो उत्तर होगे होते हैं और नहीं होते। इसकी वजह यह है कि इच्छाधारी सर्प को वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं किया जा सकता। जब आप भगवान को सच मानते हो, यदि आप भगवान को सच मानते हैं और इस बात पर यकीन करते हैं कि दुनिया के अंदर भगवान मौजूद है, तो आपको इस बात पर भी यकीन करना ही पड़ेगा कि दुनिया के अंदर इच्छाधारी नाग मौजूद है। यदि आप मानते हैं कि अर्जुन सच में थे तो आपको ये भी मान लेना पड़ेगा कि उसने उलूपी से विवाह किया था। और जब आप यह मान लेते हैं तो इच्छाधारी नाग नागिन के होने को स्वीकार कर लेंगे। भारत के अंदर आज कई जगहों पर नाग देवता के मंदिर बने हुए हैं। इन नाग देवता की पूजा जो लोग करते हैं उनको ये पता है कि उनके देवता एक इच्छाधारी सर्प थे। वे वास्तव में तो सर्प थे लेकिन एक इंसान का रूप धारण कर सकते थे। कई मंदिरों के साथ तो इस प्रकार की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। जब आप भगवान जैसी चीजों को नहीं मानते हो, कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि विज्ञान अनंत है, उससे सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा हर चीज की सीमा होती है। हो सकता है विज्ञान इन चीजों को सिद्ध करे, लेकिन यदि आप भगवान को नहीं मानते हैं तो यह मान लेना पड़ेगा कि भारत के अंदर जितने भी भगवानों को मंदिर हैं, वे सब झूठे हैं और वे विश्वास मात्र हैं। लेकिन इतना मान लेने के बाद ये समझ में नहीं आएगा कि यदि भगवान विश्वास मात्र है तो झूठ टिका किस पर है। कौन इतना बेवकूफ है जो बिना अपने फायदे के भगवान के आगे भोग लगाएगा? और इतना बेवकूफ था जिसने पूरी दुनिया के अंदर भगवान की लंबी कहानियां बनाई। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य पर अंतिम शब्द। मैं आपको किन्हीं चीजों को मानने या ना मानने पर नहीं कहता हूँ, लेकिन यदि आप एक बार अपने मन को स्वतंत्र करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कुछ तो प्राचीन काल के अंदर था जिनके बारे में इतना कुछ लिखा गया और आज भी